Bismillahir Rahmanir Rahim. In today's lecture, we will learn how to do addition of matrices. In the previous lecture, we learned about how to find the multiplicative inverse of a matrix. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करते हैं. सबसे पहली चीज जो यहाँ पर याद रखने वाली है वो ये है कि दो मैट्रिसेस को हम उसी सूरत में आपस में ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जब दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या हो, सेम हो. तो पहली चीज क्या आ जाती है हमारे पास, कंडीशन. कंडीशन क्या है, बोथ मैट्रिसेस शुड हैव सेम ऑर्डर, यानी दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए. अगर दोनों का ऑर्डर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, तो वो मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकते, हम उन्हें जमा नहीं कर सकते. तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, उसके बाद आपने एडिशन करनी है. इस चीज को हम एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन कर लेते हैं. हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 1, -1, 3 एंड मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट्स हैं -1, 0, 1, 2. सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है. जी हाँ, बिल्कुल दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, एक जैसा है. इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 by 2 एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 2 by 2. यानी मैट्रिक्स ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अब हम इसे ऐड कर सकते हैं. तो चलिए सीखते हैं कि दो मैट्रिसेस की एडिशन कैसे होती है. सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम ए प्लस बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, विच इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखना है. ये मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा ए की जगह, प्लस प्लस हम इसी तरह मेंशन कर लेंगे. इसके बाद मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है -1, 0, 1, 2, इसको हम यहां पर लिख लेंगे. अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड करेंगे, वेरी इजी. दोनों मैट्रिसेस की एडिशन ऐसे होगी कि हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड कर देंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में, इसी तरह से थर्ड एलिमेंट को हमने थर्ड में ऐड करना है और लास्ट एलिमेंट यानी फोर्थ एलिमेंट को हमने फोर्थ एलिमेंट में ऐड करना है. सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास 2 है और मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, -1. तो 2 प्लस -1, क्योंकि दो साइंस हमारे पास आ रहे हैं. नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट को हम किस में ऐड करेंगे, सेकंड में, 1 प्लस 0. थर्ड एलिमेंट को हम थर्ड में ऐड करेंगे, -1 प्लस 1 और लास्ट एलिमेंट को हम लास्ट में ऐड करेंगे, यानी 3 प्लस 2. अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. लास्ट स्टेप इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 2 माइनस 1, इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया. 2 माइनस 1 क्या होता है, 1. 1 प्लस 0 1 होता है. -1 प्लस 1 क्या होता है, 0, क्योंकि -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, या 1 में से हम 1 को माइनस करें तो 0 बचता है. 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, 1, 0, 5. तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल, हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 4, -2 और मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 1. अब आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है. ए का ऑर्डर क्या है, 2 रोज 1 कॉलम यानी 2 by 1. बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 1 कॉलम, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 by 1. बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यानी हम इन्हें इजीली ऐड कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए की जगह हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ए क्या है, 4 माइनस 2, प्लस इसी तरह आ जाएगा. बी की जगह हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे विच इज 3, 1. नेक्स्ट स्टेप, अब एडिशन कैसे होगी, फर्स्ट एलिमेंट को हमने फर्स्ट में ऐड करना है और सेकंड एलिमेंट को हमने सेकंड में ऐड करना है, यानी 4 को हम ऐड करेंगे 3 में, यानी 4 प्लस 3
माइनस टू को हम ऐड करेंगे वन के साथ, यानी माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन एंड माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन। अब माइनस टू प्लस वन कैसे माइनस वन आया, इस चीज को हम समझ लेते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, यानी हमने इसको क्या करना है, माइनस करना है। टू में से वन माइनस हुई, हमारे पास क्या बचा है, वन। अब साइन माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी, हमने बड़ी वैल्यू को देखना है, बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा हम वही साइन लगाएंगे आंसर के साथ। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास टू है और टू के साथ क्या है, माइनस, तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन माइनस वन। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हाउ टू डू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, क्या मैट्रिसेस की एडिशन कैसे करते हैं।